तो साथियों आप सभी जान रहे हैं पूरा जो देश है वो राममय हो चुका है और अयोध्या में प्रभु श्री राम की जो मूर्ति है वो प्रतिस्थापित हो चुकी है और हमारी मौजूदगी अभी बेतिहाता के यहाँ मंगला माता के मंदिर में है जहाँ पे राम भक्तों के द्वारा यहाँ पे बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप देख पा रहे हैं कि प्रसाद वितरण के साथ साथ यहाँ पे है कि मंदिर का भी यहाँ पे फोटो जो है प्रत्येक जो श्रद्धालु आएंगे उन्हें दिया जाएगा और भव्य तरीके से यहाँ पे जो है कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पे तमाम श्रद्धालु बैठे हुए हैं जिनसे थोड़ा हम बातचीत करेंगे कि भगवान 500 वर्षों के बाद अयोध्या में एक बार फिर से पधारे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी ये लोग। आइए इन्हीं से सीधा हम बातचीत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस ABC हिंदुस्तान न्यूज चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठान हो रहा है अयोध्या में, क्या कुछ कहेंगे आप? आज प्रभु श्री राम लला के विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर और भव्य राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में हम सभी भारतीय जनता पार्टी शिक्षक प्रकोष्ठ गोरखपुर क्षेत्र के सभी शिक्षक बंधु यहाँ पे उपस्थित हैं और कार्यक्रम ये है कि प्रसाद वितरण होगा और प्रभु श्री राम की एक भव्य राम मंदिर की एक भव्य तस्वीर जो है वितरित की जाएगी और इसके माध्यम से हम लोग मैसेज देना चाहते हैं कि यह तस्वीर हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही अनमोल तस्वीर है और हम लोग प्रभु राम के आदर्शों का पालन करते हुए अपने समाज में उनके संस्कार को उतारें और उसको अपने समाज में उस हिसाब से भाईचारा और नैतिक मूल्यों का हम लोगों का जो आदर्श होना चाहिए प्रभु श्री राम के आदर्श से 100% अगर नहीं हम मिला पाते हैं, 99% मिला है, 90% मिला है, 80% मिला है, 50% मिला, नहीं कुछ कैसे 10% ही मिला है, तो हम सभी का कल्याण हो जाएगा। और हमारे क्षेत्रीय सह संयोजक श्री रामेंद्र प्रताप सिंह जी मौजूद हैं, आप उनसे जो है ज़रूर दो बातें उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से भक्तों ने संघर्ष किया और संघर्ष का जो नतीजा है वो आज प्राण प्रतिष्ठान में आपको देखने को मिला है। प्रभु श्री राम की जो मूर्ति की स्थापना है वो आज हो चुकी है माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। क्या कुछ कह रहे हैं श्रद्धालु, एक और श्रद्धालु हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका ABC हिंदुस्तान न्यूज चैनल। धन्यवाद सर। आज क्या कुछ कहेंगे, प्रभु श्री राम जो है आज अपने महल में पधारे हैं, क्या कुछ कहेंगे आज? देखिए आज तो भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है, आज हर व्यक्ति राममय है, पूरा देश राममय है, पूरी दुनिया राममय है। जिस तरह से 500 वर्षों का संघर्ष चला हमारे आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र की जन्मभूमि के लिए, लाखों लोगों ने उसके लिए अपने बलिदान दिए, अपने प्राण दिए, समय से कभी संघर्ष रुका नहीं। जब से अहताइयों ने तोड़ा मंदिर को तब से संघर्ष कभी नहीं रुका, अनवरत चलता रहा। महारानी जयकुमारी देवी वो स्वयं बाबर की सेना से भिड़ गई, मीर बाकी को उन्होंने मार डाला और अंत में बाबर को आना पड़ा, वहाँ उन्होंने वीरगति पाई। अब इतने बलिदानियों का, कोठारी बंधुओं का आप जिक्र करिए, अशोक सिंघल जी, परम पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज, अभिराम दास जी, परमहंस रामचंद्र दास जी, ऐसे संतों का, तमाम भक्तों का जो बलिदान है, जो त्याग है, समर्पण है, आज वो फलीभूत हुआ। आज पूरा राष्ट्र आह्लादित है, ये वास्तव में राम मंदिर नहीं, ये राष्ट्र मंदिर है। जी तो सर आज पूरे बड़े भव्य तरीके से आप लोग मना रहे हैं, श्रद्धालु सर कितने लगभग कितने आए होंगे यहाँ? हम अब तक सुबह से कई हजार लोग आ जा चुके, आसपास के मोहल्ले की हमारी मातृशक्ति माताएं बहनें यहाँ सुंदरकांड का उन्होंने पाठ किया, पुरुष उसमें सहभागी बने। यहाँ देखिए भारतीय जनता पार्टी के शिक्षक प्रकोष्ठ की ओर से यहाँ पर श्री राम मंदिर का चित्र और प्रसाद के वितरण का कार्यक्रम रखा गया है, जो अभी हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी आ रहे हैं उनके और पुजारी जी के हाथों शुरू कराया जाएगा। और भी श्रद्धालु बैठे हुए, उनसे थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे। आइए बाबा जी हैं, थोड़ा इनसे भी हम जानकारी लेते हैं कि किस तरह से संघर्ष करने के बाद जो है आज जो है इतना बड़ा दिन देखने को मिल रहा है और उसके साक्षात जो है हम लोग गवाही भी है। सर क्या कुछ कहेंगे आज आप? जी भाई साहब, एक तो आज मैं पूरे भारतवासियों को अपनी तरफ से बधाई देना चाहूँगा और साथ ही साथ पूरे देश में जो हर्ष और उल्लास का वातावरण बना है, तो मुझे लग रहा कि एक बार 15 अगस्त 1947 को जो वातावरण था उससे आज कमतर नहीं है। आज हमारे सनातन धर्म के
लिए धर्म की जीत हुई है। बिल्कुल, एक बहुत ही बड़ा दिन है उनके लिए और ये हम सभी भारतीयों के लिए बड़े ही गर्व का विषय है कि हम लोगों के आंखों के सामने ये प्रतिष्ठित मंदिर को भव्य बनते हुए हम लोगों ने देखा है, तो ये इसके लिए हम पूरे भारतवासियों को बधाई देना चाहेंगे। हम सभी सनातनियों के लिए बड़ी ही गर्व की बात है कि प्रभु श्री राम का जो मूर्ति प्रतिष्ठान है वो आज हुआ है। और मैं दिखाना चाहूँगा कि मंगला माता का मंदिर है और यहाँ पे हजारों की संख्या में सुबह से जो श्रद्धालु हैं वे आए हैं और इस प्राण प्रतिष्ठान की जो गवाही है वे खुद बने हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे तमाम श्रद्धालु जो है अंदर पूजा अर्चना कर रहे हैं और पूजा अर्चनाएं जो है आज पूरे दिन चलने वाला है। यहाँ पे देखिए बाबा बैठे हुए हैं, थोड़ा बाबा से भी हम जानकारी लेंगे। बाबा बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी हिंदुस्तानी चैनल में। आज क्या कहेंगे, आज भगवान प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। धन धन का लीला परम्पार है, लीला तो अपरंपार ही है, लीला पर हम चलेगा रहेगा। तो बाबा आप इस मंदिर की देखभाल करते हैं? हाँ, यहीं पे रहते हैं। हाँ। तो आप देख पा रहे हैं कि बाबा जी थे जिन्होंने बताया कि बहुत ही ये जो सनातन धर्म के लिए हुआ है वो बहुत ही अच्छा है। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी ये मुख्यमंत्री जी का शहर है, मुख्यमंत्री जी के शहर में क्या क्या कार्यक्रम के आयोजन किए गए हैं इस प्राण प्रतिष्ठान को लेकर के, उस पूरे कार्यक्रम की पल पल की जो कवरेज है वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।